ये दीपिका कक्कड़ हैं ससुराल सिमरका में और आज हम करेंगे इनका मेकअप लुक रिक्रिएट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉली पारा शर। आई स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। स्किन केयर कर लिया है मैंने और अब करते हैं हम कलर करेक्टर। और यहाँ पे मैंने ये ऑरेंज कलर करेक्टर लिया है और ऑरेंज कलर करेक्टर को हम यूज़ जब करते हैं हमारे फेस पर डार्क सर्कल हों या फिर डार्क स्पॉट हों तो वहाँ पर हम इसे अप्लाई करते हैं। ये हमारे डार्क सर्कल डार्क स्पॉट को हाइड करता है। उसके बाद में लिया है मैंने ग्रीन करेक्टर। ग्रीन करेक्टर होता है हमारे फेस पे एक्टिव एक्ने या पिंपल हो जहाँ पे या फिर फेस पे कोई रेडनेस हो वहाँ वहाँ पे हम इसे लगाते हैं। फिलहाल मेरा फेस हो रहा है एक्ने और पिंपल का घर, मनचाहे जब आ जाते हैं। अब इस सब को हम कर लेंगे एक रेड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिया है ओरिफ्लेम का ये है फाउंडेशन, उसको ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से ही लेके और उसे हाथ के हाथ में से ब्लेंड करती जाऊँगी। बहुत अच्छा फाउंडेशन है और अगर आपके पास में कोई वो ओरिफ्लेम की कंसल्टेंट तो आप उससे ले सकती हैं, बहुत अच्छा है और मीडियम टू हाई आपको कवरेज देगा, मैट फिनिश दे देता है और मतलब काफ़ी अच्छा है, आप इसे ले सकती हैं। पॉकेट फ्रेंडली भी है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है ये। और इसको मैं अच्छी तरह से इसको भी ब्लेंड कर लूँगी। और इससे पहले मैंने फाउंडेशन लगाने से पहले मैंने NYV का लगाया था प्राइमर और अब ये लिया है मैंने डार्लिंग इजाबेला का कंसीलर। इसको मैं लगा लूँगी जहाँ भी मुझे हाइड करने हैं अपने फेस के, जो भी एरिया हमें हाइड करने होते हैं वहाँ पे लगाते हैं हम। स्पेशली अंडर आइज़ पे और नोज़ पे, चिन पे और फॉरहेड पे इसको लगाया जाता है हाईलाइट करने के लिए। और इसको लगाने के बाद में ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली भी है और सबसे बड़ी बात ये बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, कोई भी लाइन नहीं रह जाती है बाद में, बहुत अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। आप इसे ले सकती हैं लेना चाहें तो। और हाँ, मैं सबके बाइंग लिंक जो भी होंगे प्रोडक्ट के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिया है कॉम्पैक्ट, कोई भी कॉम्पैक्ट ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिया है ओरिफ्लेम का कॉम्पैक्ट और ये भी बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है और ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी आप करें यूज़, और आप इसे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, आप इस मेकअप लुक को किसी फंक्शन वगैरह में कर सकते हैं, बहुत अच्छा मेकअप लुक आएगा, हल्का सा सिंपल सा सोबर सा बहुत ही अच्छा मेकअप लुक है। अब आती है बारी आईब्रोज़ की। स्पूली की हेल्प से कोम कर लिया है और इसको भी मैंने एक आई शेडो पैलेट्स में से ब्राउन कलर लेके आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ मैं, और दूसरी आईज़ को भी मैं हाथ के हाथ में इसी तरह से फिल कर लूँगी क्योंकि आईब्रो मेरी शेप में नहीं है इसलिए मैं इसे अभी शेप में दूंगी इस कंसीलर की हेल्प से ही। वही कंसीलर लिया है मैंने और आईब्रो के दोनों एजेस पर इसको लगा लूँगी। इससे क्या होता है, आईब्रो बहुत एजी लगती हैं और ऐसा लगता नहीं है कि हमारी आईब्रो शेप में नहीं है और काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है उसके बाद में। और इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी और ध्यान से ब्लेंड करना होता है क्योंकि हमारे आईब्रो फिल हैं ऑलरेडी, तो आईब्रो पे ना आए इसका जो भी प्रोडक्ट होता है कंसीलर होता है वो आईब्रो पे नहीं आना चाहिए। और उसके बाद में मैंने यहाँ अब शुरू करते हैं हम अपना आई मेकअप। और मैंने कंसीलर पहले लगा ही लिया था, अब मैंने ये एक सेटिंग पाउडर लिया है, कलर लिया है, उससे मैं अपनी आईज़ के को सेट कर लूँगी। इसके बाद में मैंने ये ट्रांजेक्शन कलर लिया है, उससे अपनी आईलिड को जहाँ तक मैं कलर लेना चाहती हूँ अपनी आईज़ पर वहाँ तक लगा लूँगी और दोनों आईज़ पे सेम टाइम पे ही करें। और क्योंकि अगर आप एक का पहले कर लेते हैं ना एक का मेकअप, दूसरी आई का मेकअप सेम नहीं होता है, तो इसलिए दोनों आईज़ पे मेकअप साथ साथ करें। उसके बाद में ये मैंने ऑरेंजिश का कलर लिया है और उसको मैं इसको भी मैं एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से और लगा लूँगी अपनी आई लिड पे। बस आईज़ मेकअप का यही होता है, आपको ब्लेंड करना होता है अच्छे से। उसके बाद में मैंने ये ब्राउन कलर लिया है और इसको भी मैं आउटर वी से फोकस करते हुए लगा लूँगी। इसको भी आउटर वी से फोकस करते हुए लगाना है, इनर वी तक नहीं, कॉर्नर तक नहीं ले जाना है, बाहर ही रखना है, मिडिल आईज़ तक रखना है। इस तरह से जैसे मैं लगा लूँ आप देख लेना, आप इस तरह से लगा लेना अच्छे तरीके से और साथ के साथ ब्लेंड भी करते जाना। ब्लेंडिंग एक बहुत बड़ा काम होता है आई मेकअप में, जितना अच्छा आप ब्लेंडिंग करेंगे, जितनी आप पेशेंस के साथ ब्लेंडिंग करेंगे आपका आई मेकअप उतना ही अच्छा उभर के आएगा। और ये देखिए कितना अच्छा आया है, कोई भी एजेस नहीं है, कोई भी कॉर्नर नहीं है, बिल्कुल एकदम से परफेक्ट आई मेकअप हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा था अपना ये आई मेकअप। और उसके बाद मैं यही सेम कलर लेके ब्राउन में अपनी लोअर लैश लाइन पर भी लगा लूँगी। उसके बाद में मैंने लिया है ये काजल और इसको मैं रफली ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, पर मतलब लाइनर के जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसको, लाइनर नहीं लगाना है। और एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से इसको मैं स्मज कर लूँगी, तो लाइनर नहीं लगाना होता है, बस ये ब्लैक
वो काजल लगा के और उसको हमें स्मज कर लेना है, दोनों आईज पे सेम कर लेना है। उसके बाद में मैं इसी काजल को अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा लूँगी, वाटर लाइन पे लगाना है एक्चुअली इसको। और उसके बाद मैं वापस से वही पेंसिल ब्रश लेकर उसकी हेल्प से स्मज कर दूंगी। और अब मैं फेक लैशेस नहीं लगा ले रही हूँ, आई लैशेस को कर्ल किया है, अब लगा रही हूँ मैं मस्कारा। और मस्कारा बहुत अच्छे से लगाना गाइस, बहुत मुश्किल से आया मुझे मस्कारा लगाना, हर बार मेरी आँख में जाता था ये, बड़ी मुश्किल से आया मुझे। अब उसके बाद में करेंगे हम अपने फेस को कंटूर, और ये वेट एंड वाइल्ड का कंटूर है, पाउडर कंटूर है, बहुत ही अच्छा पाउडर है, अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हैं, बहुत अच्छा कंटूर पाउडर है ये। और इससे मैं अपने फेस को कंट्रोल कर लूँगी, बेसिकली चीक को अच्छे से कंट्रोल कर लेना है, पाउडर है तो ध्यान से इसे आपको करना है। और उसके बाद में आप इसको करना है अपनी जॉ लाइन पे, जिससे कि आपकी अगर डबल चिन है, मेरी है थोड़ी सी, तो वो हाइड हो जाएगी, अदरवाइज नहीं है तो आप नहीं करें, थोड़ा सा शार्पनेस मिल जाती है फेस को। और उसके बाद में नोज़ को करते हैं कंट्रोल, एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से इसी पाउडर को लेना है, कंट्रोल पाउडर को, और अपनी दो नोज़ के दोनों इस तरह जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उस तरह से लगाना होता है। और ज़्यादा बड़ा ब्रश नहीं लेना है, क्योंकि अगर बड़े ब्रश से आप यूज़ करेंगे ना तो इसमें क्या होगा, ये आपके एक्स्ट्रा चला जाएगा, फेस फेस पर लग जाएगा इसका पाउडर। और उसके बाद में जिस ब्रश से मैंने पहले किया था उसी से हमें इसे ब्लेंड कर लेना है। वैसे मुझे इनके फेस पर दिख नहीं रहा है इन्होंने कोई ब्लश लगाया है, बट मैं यहाँ पे एक हल्का सा पीची ब्लश लगा लूँगी, फेस को अच्छा सा रेडनेस और पीचनेस आ जाएगी फेस पे, बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हल्का सा ब्रश लगा लिया, उसके बाद में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ हाइलाइटर, और बेक्ड हाइलाइटर है ये, आप इसे वन बाई वन लगा सकते हैं या जिस तरह से मैं लगा रही हूँ आप उस तरह से भी लगा सकते हैं, जैसा आपका मन है वैसे लगाना है आपको। हाँ, और जो हाइलाइटेड पॉइंट होते हैं वहाँ लगाने हैं, चीक से या पे ब्रिज ऑफ द नोज़ और क्यूपिड बो, चिन और फोरहेड बेसिकली। और उसके बाद में आईब्रोज बोन होती है ना, वहाँ पे भी लगाना होता है इसको। लगाने के बाद ब्लेंड कर लें अच्छे तरीके से। उसके बाद में फिंगर की हेल्प से मैं आईज़ के इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी, इससे आईज़ और भी ज़्यादा ब्राइट लगेंगी। उसके बाद में लगानी है अब लिपस्टिक, जो भी मैंने लगाया हुआ था लिप बाम उसको मैंने क्लीन कर लिया। उसके बाद में ये मैंने यहाँ पे एक नायका की न्यूड लिपस्टिक है, न्यूड ही पिंक कलर है इसका, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं, मैट लिपस्टिक है, और उसको मैं लगा रही हूँ। काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, इनके शेड्स बहुत अच्छे हैं और ये टिकते भी काफ़ी अच्छे टाइम तक हैं और स्मज प्रूफ हैं, बहुत अच्छे लिपस्टिक हैं, आप ले सकते हैं, स्मॉल पैक हैं ये, मिनी लिपस्टिक होते हैं वो हैं। और उसके बाद में है ये मेरा फाइनल लुक। प्लीज़ आप लोग बताना ज़रूर कैसा लगा है मेरा वीडियो, आप लोगों को कमेंट करके बताना लुक कैसा लगा। तो बस मिलती हूँ मैं आपसे अपने नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।